हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रिकी जंक्शन। आज इस वीडियो में बायोलॉजी के चैप्टर ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 32। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हुआ। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? जबड़े की होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? एसटीपीस होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी एसटीपीस होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, ह्यूमरस। निम्नलिखित में से मानव के पैर की हड्डी ह्यूमरस नहीं है। नेक्स्ट है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ऊपरी भुजा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी सरंद्री होती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, जांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। दांतों और तथा हड्डियों के बीच में कैल्शियम फास्फोरस पाई जाती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमज़ोर हो जाती है? इसका आंसर होगा कैल्शियम की कमी के। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी कैल्शियम की कमी से हो जाती है कमज़ोर। नेक्स्ट है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? उसका आंसर होगा कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। अस्थियों तथा पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में दांत दो बार बीस बार विकसित होते हैं। ऑप्शन सी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ है? मुख में प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, 32। मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में मंड स्टॉच का संकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर टैलिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कॉर्निया। पाचन तंत्र का हिस्सा कॉर्निया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि?
क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम को रेनिन कहते हैं। नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टैलिन पाया जाता है, टैलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? इसका आंसर होगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत करता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन है एक एंजाइम है। पेप्सिन है एक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत जमा करती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में होता है। पित्त जमा होता है पित्राशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का मुख्य कार्य है वसा का पारेषणीकरण। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वो ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन का प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर दाब ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, स्फिग्मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आज बायोलॉजी का चैप्टर का क्वेश्चन था, ह्यूमन साइकोलॉजी का। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।